हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान बुटीक में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाफ अम्ब्रेला स्लीव्स, फुल अम्ब्रेला जो होती है आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कटिंग स्टिचिंग। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ये हमने एक आधा मीटर कपड़ा लिया है, ये 42 सेंटीमीटर है। इसको इस तरह से ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। एक बार हम इसकी फिर से इस तरह से तय लगाएंगे और फिर से इसकी इस तरह से तय लगाएंगे एक बार। ये देखिए, अब ये 8 लेयर में हो गया है दोस्तों। 1, 2, 4, 6, 7 और 1, 8। ये खुली साइड इधर है और इस साइड भी खुली साइड है, ये बंद साइड हमारी इस साइड है। इसकी जो अम्ब्रेला स्लीव्स हम लंबाई लेंथ रखनी है वो 7 इंच रखनी है। हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे पीको वगैरह करने के लिए। इस साइड से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से इंची टेप रखना है, यहाँ पे भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, तो इस तरह से हमने एक गुलाई में निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे कि अम्ब्रेला प्लाजो वगैरह की कटिंग होती है उसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग हुई है। अब हमें इसका सेंटर बना लेना है। एक पल्ले को हटा देते हैं हम, उसी तरह से दोबारा फोल्ड करना है इसको। इधर भी दोबारा से फोल्ड करना है इसको, हल्का सा प्रेस से इसको सेंटर बना लेना है। दोस्तों, ये नाखून से तो बनेंगे नहीं, प्रेस से ही बनाना पड़ेगा इसका सेंटर। ये देखिए, अब हमने सेंटर बना लिया है। काम करेंगे इसको स्केल की मदद से, इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम जो इसकी बीच की कटिंग करेंगे वो यहाँ से सेंटर से नहीं करनी है, उसका भी हम बताते हैं आपको। ये जो सेंटर हमने बनाया है, सेंटर से एक साइड को हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, नीचे की साइड। ये देखिए, 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद दोस्तों, फिर इसका आर्मोल नाप लेंगे हम, देखते हैं कितना है आर्मोल इसका। इसका आर्मोल 17 इंच है। ये देखिए, अब 17 को 4 में डिवाइड कर लेंगे। 17 को 4 में डिवाइड करते हैं तो आपका 4.25 इंच आता है। तो 4.25 हम इस 4.25 को
एक बार और हाफ करेंगे, 2 इंच एक पॉइंट पे ऊपर निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और इतना ही नीचे निशान लगाएंगे 2 इंच एक पॉइंट पर, और इस साइड से भी हम 2 इंच एक पॉइंट पर निशान लगाएंगे, और इस साइड से भी हम 2 इंच एक पॉइंट पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे स्केल्स की मदद से इस तरह से। ये देखिए, ये हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमने राउंड शेप दे दी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से उठाकर, ये जो हमारा सेंटर का निशान है, और इसको इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए, अब हम इस निशान पर इसको कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारा आर्मोल कटिंग हो गया है। ये जो नीचे का इस छोटा हिस्सा है वो नीचे की साइड आएगा, इधर बगल की साइड, ये ऊपर बड़ा हिस्सा ऊपर की साइड रहेगा। अब हम इसका दूसरा पल्ला भी कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसको शर्ट में लगाना कैसे है, बहुत ही ईजी है, वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक कट लगा लें ताकि पता चले हमें सेंटर कहाँ है। एक यहाँ पे भी लगा लेंगे। चलिए मशीन पर लगा के देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बाजू लगा के दिखाता हूँ। ये हमारी रेडीमेड कुर्ती है, तो इसमें फालस पट्टी पहले से ही लगी हुई है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, छोटा वाला हिस्सा ये नीचे के साइड रखना है, आर्मोल का जो नीचे का हिस्सा होता है, और इसके ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगानी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है, इसका गेटअप आ रहा है अभी काफ़ी, जब इसमें पहनने के बाद और भी ज़्यादा गेटअप आएगा। ये देखिए, चलिए अब दोस्त दूसरी बाजू में आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है। ये देखिए, छोटा हिस्सा हमारा नीचे और बड़ा साइड ऊपर की साइड। ये देखिए, फुल अम्ब्रेला। अभी इसमें पीको हम करवा देंगे आगे, आप चाहें तो पीको कर सकते हैं या फिर लेस लगा सकते हैं। अभी हम आपको पीको करके दिखाते हैं इसमें इसका गेटअप, और पहनने के बाद और भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी हमारी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।